स्टार्ट करते बेटा। हाँ सबसे भैया, पहले ट्रिग्नोमेट्री बेटा, सबसे पहले ध्यान रखना चलता ही कायम है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री का अस्तित्व है। तो जो ये एंगल होता है उसको नॉर्मली अपन थीटा मानते हैं। तो बेटा ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास कितने रेशियोज है? छह मेन रेशियो है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, और साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक सेक कॉट। मैं आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जिन बच्चों को उल्टा ट्रिग्नोमेट्री आता भी है उनको भी लगेगा कि भैया ने सही टाइम के अंदर लॉजिकल टाइम में पूरा रिवाइज भी करा दिया, समझा भी दिया। तो बेटा इसका रूल होता है पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, और नीचे होता है हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये नॉर्मली रेशियोस का होता है, इसमें पी बी और एच हो गए, ठीक है बेटा। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, कुछ और बात करो, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो इसी के साथ बच्चे को ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वन होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्योंकि एक जगह उल्टू है बेटा, बी बाय एच इंटू एच बाय बी, वो भी कितना होता है वन होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वो भी कितना होता है बेटा अपने पास वन। तो साइन इंटू कॉसेक, कॉस इंटू सेक, टेन इंटू कॉट, ये तीनों क्या होते हैं बेटा वन। अब अगर मैं किसी बच्चे को थोड़ा सा बेटा, जिसका भी म्यूट नहीं, कीर्ति परागी जिनका म्यूट नहीं बेटा प्लीज म्यूट कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा है ना बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, साइन इंटू कॉसेक, कॉस इंटू सेक, टेन इंटू कॉट क्या होते हैं वन। और बेटा टेन थीटा के बारे में ध्यान रखना, टेन थीटा इज अ रेशियो ऑफ साइन अपॉन में कितना कॉस, और कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस अपॉन में कितना साइन। तो सर क्या ये उतारने की बातें हैं बेटा, जिनको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी याद नहीं है उनके लिए तो बेसिक उतारने की बातें हैं, जिनको बिल्कुल भी याद नहीं, हाँ जिनको थोड़ा बहुत याद है ओके। बट अगर मैं देखो एक क्वेश्चन दूं कि मैं एक ट्राइंगल है, अगर मैं देखो बोलूं मेरे पास ये 12 है, ये 5 है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मेरे को पता सारे एंगल निकाल के दिखाओ, मेरे को सारे एंगल्स निकाल के दिखाओ, तो क्या कोई बच्चा मुझे सारे एंगल निकाल के दे सकता है? तो एक बार देखते हैं कितने बच्चे सारे एंगल निकाल के बताएं, साइन कॉस टेन सब निकाल के दिखाओ बेटा। ये तो कोई बड़ी बात थी नहीं सर, ये आपका 13 आ जाएगा, ये आपका थीटा है, तो साइन थीटा कितना होगा सर? देखो पी बाय एच, दिस इज पी, दिस इज बी एंड दिस इज एच, तो कितना होगा साइन थीटा, जल्दी बोलो 5/13। कॉस थीटा कितना होगा जल्दी बताओ, 12/13। बाकी बच्चों तो बोलने को तैयार नहीं, बोले सर ये हमारे मान सम्मान के खिलाफ है, आप पैसे के दीजिए मुझे। 13/5, 13/12 और 12/5, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, बोले सर ऐसी बात हमसे मत पूछो करो, हमारे लायक कीजिए। चले ये सब यूज इसलिए आ रहा है कि कल अपन ने एक क्वेश्चन किया था, कहाँ का अपन ने ज्योमेट्री का क्वेश्चन किया था, क्या वहां पे ट्रिग्नोमेट्री लग गई थी बेटा? हाँ यार, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन में भी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। एक बात ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री का चलते फिरते खासकर कैट वाले अगर कोई बच्चे जुड़े हुए हैं तो कैट वाले तो बिल्कुल ध्यान रख ले, एपीएम वाले बिल्कुल ध्यान रख ले कि आप ट्रिग्नोमेट्री से बच सकते नहीं हो। सर कितना लेवल आएगा? ये दर्जन लेवल आएगा, ट्रिग्नोमेट्री को पूछते हैं और आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। तो ये सोचना ही मत कैट वाले और आईपीएम वाले कि ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बाहर से निकल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आता है आपको, समझो जितना समझ सकते हो, ठीक है बेटा। चलो तो अब आपके बारे में मेरे पास कुछ है, साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है बेटा कॉसेक सेक, और यहाँ पे कितना है कॉट। सिर्फ कुछ एंगल स्टैंडर्ड की वैल्यूज याद अगर अपन रख लें या रख पाए, तो ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, और ये क्या है अपने पास 90। तो साइन का याद रखने के लिए, साइन का याद रखने के लिए बच्चे बोल सकते हैं 0, 12, 12, 32, 1, फटफट बोला जाए तो 0, 12, 32, 1, 0, 12, 32, 1, एक बार बोल के दिखाओ जल्दी से सब लोग, 0, 12, 12, 32, 1, 0, 12, 32, 1, 0, 12, 32, 1, 0, 12, 32, 1,
और वही कॉस्ट यहाँ पर रूट लगाना है, यहाँ पर भी रूट लगाना है, कॉस्ट के लिए उल्टा जीरो बारह बारह बत्तीस एक, तो जीरो बारह बारह बत्तीस एक। सर टेन का मतलब क्या होता है? टेन के लिए तो कोई डाउट ही नहीं है बेटा, टेन के लिए कोई डाउट क्यों नहीं है, क्योंकि साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा जीरो बाय वन, तो कितना हो गया जीरो, वन बाय टू डिवाइड बाय रूट थ्री बाय टू, ये तो कितना हो गया वन बाय रूट थ्री, ये कितना हो जाएगा वन, टू से टू कैंसिल, रूट थ्री वन डिवाइड बाय जीरो तो नॉट डिवाइड, ठीक है ना। कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, तो बेटा जीरो का उल्टा तो वन बाय जीरो होता है, वन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, वन बाय टू का उल्टा टू बाय वन, जिसका म्यूट नहीं करा हुआ म्यूट कर लो बेटा, कीजिए बेटा म्यूट, टू बाय वन रूट टू, रूट टू बाय वन, टू बाय रूट थ्री और वन। सेक का देख ले बेटा, सेक का, अब सर सेक का क्या आ रहा है? तो सर सेक का कुछ ऐसा आ रहा है, देखिए जरा ध्यान से, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो जीरो बाय वन, वन का उल्टा कितना हो जाएगा जीरो बाय वन इज जीरो, रूट थ्री बाय टू इज वॉट टू बाय रूट थ्री, वन बाय रूट टू का उल्टा कितना रूट टू बाय वन, वन बाय टू का उल्टा कितना टू बाय वन, और जीरो का उल्टा कितना। कॉट किसका उल्टा है? टेन का, कॉट किसका उल्टा है? टेन का, तो वन टेन का उल्टा कितना हो जाएगा वन बाय जीरो इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, चल वन बाय रूट थ्री का उल्टा आ जाएगा रूट थ्री बाय वन, वन का उल्टा आ जाएगा वन रूट थ्री का आ जाएगा वन बाय रूट थ्री, और अगेन यहाँ पे तुम्हारे पास इन्फिनिटी का उल्टा जीरो। बेटा किसका म्यूट नहीं है, सिर्फ सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लो ना बेटा प्लीज, मैं इतना सिस्टमैटिक पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा तुम्हारे वीडियो रहेंगे तुम्हारे लिए और अच्छा रहेगा बेटा, प्लीज लेवल पे फॉर्मूले थोड़ा सिंपल सिंपल फॉर्मूले इसको साथ में लिख लो तो बहुत काम के है। साइन ए प्लस बी होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है बेटा। मेरे पास कॉस ए प्लस बी, सॉरी साइन ए माइनस बी होता क्या है मेरे पास? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मेरे पास cos a plus b का भी फॉर्मूला है, cos a plus b का मतलब क्या होता है? cos a cos b minus sin a sin b, बताऊंगा अभी इसका यूज कैसे आएगा। और cos a minus b का फॉर्मूला होता है cos a cos b plus sin a sin b, ठीक है। मेरे पास कुछ और फॉर्मूले भी हैं, tan a plus b का फॉर्मूला होता है मेरे पास 10a plus 10b। तो ये सब क्या हमारी टाइम वाली बुकलेट में लिखे हुए हैं? हाँ यार बेटा, क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो अपन नहीं करेंगे तो अपने टाइम वाली बुकलेट भी नहीं हो पाएगी। तो प्लीज इस बात को समझ के चलो कि यार ये फॉर्मूले सारे के सारे काम के, मजाक नहीं करना है इन फॉर्मुलों के साथ, ठीक है ना बेटा। और अगर मैं 10a minus b का फॉर्मूला लिखूं, तो 10a minus b का फॉर्मूला लिखता हूं, 10a minus b is equal to 10a minus 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। एक बार यहां तक सारे फॉर्मूले उतार लो, फिर मैं तुमको कुछ अच्छे एक्सरसाइज कराता हूं इसी को, बहुत बढ़िया। हां भैया, चलो अब गेम को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पहला एक जरा सा क्वेश्चन है कि इफ sec theta इज सॉरी इफ cot theta इज इक्वल टू 7/8, इफ cot theta इज इक्वल टू 7/8 फाइंड 1 प्लस sin theta into 1 minus sin theta upon में 1 plus cos theta into 1 minus cos। Fastest finger first, आ देखे जरा कौन कितना fast fast कर पाता है। Plus sin theta 1 minus sin theta, तो कितना हो गया 1 minus sin square theta, 1 plus cos theta 1 minus cos theta, तो ये कितना हो गया 1 minus cos square theta। मुझे नहीं पता लेकिन 1 minus sin square theta क्या होता है? cos square theta। 1 minus cos square theta क्या होता है? sin square theta। अच्छा cos upon में sin क्या होता है? cos upon sin, तो सर वो होता है cot square theta। तो सर सीधे आपने 7 by 8 बोला था, 7 by 8 का whole square, 7 by 8 का whole square, तो इसका मतलब 49 by 64 is the right answer। सर फिर कुछ फॉर्मूले भी आप बताने चाहिए थे आपको, और फॉर्मूले रह गए हैं क्या? हाँ बेटा बताता हूँ, अभी 9th-10th वाला ट्रिग्नोमेट्री आ गया, थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है, जितना तू आज के लेक्चर में समझ पाएगा उतना ही, उल्टा ये तो वीडियो ऐसा है जितना तुमको समझ में आएगा उतना ही है वीडियो, उतना ही तुम्हारा कोर्स है, इसका आगे कुछ भी नहीं है। तो उल्टा ट्रिग्नोमेट्री स्कोरिंग है तुम्हारे, ये ध्यान रखना। तो अगला है आपके पास sec square theta minus कितना tan square theta is equal to 1, तो इससे तुम एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, sec square theta
is equal to kitna 1 plus tan square theta. Cos x square theta minus cot square theta equal to 1. So cos x square theta is equal to 1 plus cot square theta. बेटा अगर ये फॉर्मूला लिख लो तो बहुत ही अच्छा है यार बेटा. अगर ये सारे फॉर्मूले लिख लो तो बहुत काम के हैं. एक बार लिखो फिर अपन बात करते हैं. गेम बड़ा अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे. पहला क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75. है कोई माइका लाल जो साइन 75 या कॉस साइन 15 या कॉस 105 या ठीक है कॉस 150 की वैल्यू निकाल के दे पाए या टेन 75 की वैल्यू निकाल के दे पाए या टेन 15 की वैल्यू निकाल के दे पाए. है कोई माइका लाल और जो है तो बताएं फटाफट कौन कितना फास्ट निकाल के दे सकता है जल्दी फास्ट की सेवा में अर्पित क्वेश्चन. चले बेटा साइन 75 निकालना है बेटा तो लिख दे साइन 45 प्लस 30. 45 प्लस 30 का फॉर्मूला लगेगा ये तेरे पास a हो गया ये तेरे पास क्या हो गया b. a का मतलब क्या 45 b का मतलब कितना 30. तो इसको लिखेगा sin 45 cos 30 plus cos 45 sin 30. very simple 1 by root 2 into kitna root 3 by 2 plus 1 by root 2 into 1 by 2. the answer is root 3 plus 1 upon में 2 root. क्या आ गया सबका बोलो. ये साइन था 45 माइनस 30. हाँ भैया. ये वापस से क्या हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30. तो तेरे पास ये हो गया 1 बाय रूट 2 इनटू कितना रूट 3 बाय 2 माइनस 1 बाय रूट 2 इनटू 1 बाय 2. तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन में कितना 2 रूट 2. ये इसका सेकंड वाले का आंसर. थर्ड वाला आंसर कॉस 105 पूछ लिया तो कॉस क्या लगा सकते हैं 60 प्लस 45. 60 plus 45 कैसे लगाओगे cos 60 cos 45 minus sin 60 sin 45. तो cos 60 कितना होता है बेटा 1 by 2 cos 145 कितना होता है 1 by root 2 minus sin 60 कितना होता है root 3 by 2 और sin 45 कितना होता है 1 by root 2. तो बताओ ये क्या हो जाएगा ये तेरे पास हो जाएगा कितना अगर अपन देखें cos 60 तो 1 by कितना 1 minus root 3 upon में 2 root. आगे कह सकते ये हाँ भैया. चलो वेरी गुड. हाँ भैया. कॉस 150 चाहिए तो सर कॉस 150 का मतलब ही क्या. अब कॉस 150 चाहिए तो क्या लगाओगे इसमें तो a माइनस b है ठीक है इसमें 90 प्लस 60 लगाते हैं वापस से कॉस a प्लस कॉस b क्या है 60 प्लस 90 वही लगाना पड़ेगा 90 प्लस 60 प्लस का ही फॉर्म लगा रहे हैं वापस से अपन तो यह बीच में माइनस आएगा तो कॉस 90 कॉस 60 माइनस साइन 90 साइन 60. बच्चा समझे cos 90 कितना होता है जीरो तो ये तो प्लस से जीरो हो गया. sin 90 कितना होता है 1 into sin 60 कितना होगा बोलो root 3 by 2. इसका आंसर आना चाहिए minus root 3 by 2. ठीक है आ गया क्या बेटा. हाँ भैया. चल 1075 का मतलब ही क्या था बोल जल्दी से 1045 plus 30 1045 plus कितना 30 तो अपन फटाफट लगाएं तो 1045 plus कितना 1030 1 minus कितना 1045 अब अगर अपन आगे की बात करें बेटा 1015 की बात करें तो 1015 कैसे चलेगा 1015 का मतलब कितना हुआ 1045 माइनस 30 तो ये हो जाएगा तेरे पास 1045 माइनस कितना 1030 अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अपन आगे का गेम बढ़ाएं. सबका आंसर आ गए. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर टू द पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड इज व्हाट 30 डिग्री इज व्हाट 30 डिग्री ठीक है ना व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर फाइंड द हाइट ऑफ टावर.
अब सर जैसे ही आपने हाइट ऑफ टावर की बात करी, मेरे को ये पी याद आया, ये बी याद आया और क्या याद आया, एच। तो सर अगर अपन थोड़ा सा गेम चलाएं तो मेरे पास तो एक चीज है, टेन थर्टी डिग्री, एंगल कितना 30 इज इक्वल टू पी बाय बी। सर ये कैसे, अभी तो आपने पढ़ाया सर, टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू कितना, पी बाय बी। तो बेटा टेन थर्टी डिग्री कितना होता है, 1/√3। पी अपने को नहीं पता है, बी अपने को पता है कितना 30, तो बी चला जाएगा किधर, तो 30/√3 इज इक्वल टू व्हाट, पी। 30/√3 इज इक्वल टू पी। और थोड़ा एलसीएम लिया जाए या रैशनलाइज करा जाए तुम्हारे आंसर को सेट करने के लिए, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 30√3 अपॉन में √3 इनटू रूट, अपन ऊपर भी रूट थ्री नीचे भी रूट, दैट इज 30√3 अपॉन में 3। द आंसर इज 10√3, द आंसर इज 10√3। कितनों का आ गया था बेटा, कॉन्ट्रैक्टर, अ कॉन्ट्रैक्टर plans two slides for the student, for the two slides for the students, one at an angle of, one at an angle of 30 degree and one at an angle of 60 degree. The contractor plans two slides for the student, one at an angle of 30 degree and one at an angle of 60 degree. He wants height of the slides to be kept at 10 meter high and 5 meter high. 10 meter high and 5 meter high. He wants to order the slides at the rate of 50 per square meter. At the rate of rupees 50 per square meter. Rupees 50 per square meter. Find the total cost of slides he purchased for his garden. Find the total cost of slides he purchased for his garden. तो सर आंसर कुछ नहीं होगा सर, आपको क्या निकालनी, स्लाइड। स्लाइड तो सर फिसल पट्टी तो यही होती है, इस वाले केस में फिसल पट्टी तो यही होती है। और अगर देखो फिसल पट्टी का मतलब पता है तो लगा साइन 30। सर साइन 30 लगाऊंगा इससे क्या होगा, अरे मूर्ख, साइन 30 मतलब क्या, ये पी है और ये क्या है, एच, पी बाय एच। और यहाँ पे लगा साइन 60 इज इक्वल टू कितना, p by h, sin 30 भी is equal to p by h, or sin 60 भी is equal to what, p by h। अगर बच्चे इतना समझ पाए, sin 30 के पास कितना हो गया 1/2, p कितना है 10, h अपने को नहीं पता, sin 60 कितना होगा √3/2, p कितना है 5, h अपने को नहीं पता, तो h यहाँ से निकल के आ जाएगा, h मतलब स्लाइड, h का मतलब ही क्या, स्लाइड ना, हाइपोटेन्यूज का। तो पहली स्लाइड कितनी मीटर की चाहिए, 20, और दूसरी स्लाइड कितने मीटर की चाहिए, सॉल्व करोगे तो 10√3, रूट थ्री की वैल्यू थोड़ी सी याद होनी चाहिए, 1.73 होती है, तो 10 × 1.73, तो दूसरी स्लाइड कितने मीटर की होगी, 17.32 होता है, 17.32। तो कॉन्ट्रैक्टर को टोटल स्लाइड्स मटेरियल कितना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को टोटल स्लाइड्स मटेरियल चाहिए बेटा 20 + 17.32, that is equal to 37.32, और उसको अगर रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रेट को कितना है 50, इसका आंसर आ जाएगा जितना मैं समझ पा रहा हूँ 1866। क्या किसी का ये आंसर आएगा रुपीज 1866? भैया 10 by root 3। तो कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, 10 by root 3 को फिर आप उसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 10 root 3 by 3 हो जाएगा वो, तो कुछ नहीं होगा वो। अल्टीमेटली अगर अपन देखें तो थोड़ा सा कुछ ऐसा होगा कि 60 + 17.32 डिवाइड बाय कितना 3, तो जितना अपन देख पा रहे हैं तो 77.32 डिवाइड बाय 3 इनटू कितना 50, सही है कि नहीं। तो जितना मेरे को लग रहा है शायद 7732 डिवाइड बाय आप तो कर लो 6, इसका आंसर कितना है 6 × 1 = 6, फिर 17 + 2 = 53, 8 = 52, 8 = 40, 1 to 88.6। आपको लिए हेल्प करूंगा, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of a cable tower is 60 degree। matlab beta top
पे इसके टॉप से मैं मेरी बिल्डिंग पे गया, क्वारंटाइन चल रहा है सुबह सुबह, और ऊपर एक टावर देखा और टावर को देखता रह गया, वाह क्या लंबा है तू, ऐसे टावर देखा तो मेरी आंखों से जो एंगल निकला, मेरी आंखों से जो निगाहें निकली, शादी हो चुकी है आसपास ताड़ नहीं सकता हूँ बेटा, तो टावर ही देखते रहता हूँ क्या करूँ, ठीक है ना। पहले कभी जमाने थे खिड़कियों से देख लिया करते थे अपन बहुत लोगों को, लेकिन अब ठीक है सुबह सुबह के टाइम पे आजकल लोग भी सोए रहते हैं, दीदार भी किसी का नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन 60 डिग्री तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। आ गया क्वेश्चन बनता है बेटा, एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सुन, इसका फुट पहले समझ, टावर का फुट और टावर के फुट का डिप्रेशन, डिप्रेशन बनता है ऊपर, यही से डिप्रेशन का बनता है ऊपर। आप समझाना क्या चाह रहे हो देखना बेटा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बिल्डिंग के ऊपर समझ, और ये देख रहा हूँ टावर, टावर का टॉप ऊपर देखा, तो ऊपर से जो मेरे पास एंगल आ रहा है, जो ऊपर से रेज आ रही है, वो क्या है एलिवेशन। फिर मैंने देखा नीचे फुट, फुट तो फुट का नीचे, तो फुट से जो मेरे को एंगल आ रहा है, नीचे से उठते हुए जो एंगल आ रहा है वो होता है डिप्रेशन। तो जब एंगल नीचे से उठ के ऊपर आता है तो वो होता है डिप्रेशन, जब एंगल ऊपर से गिर के नीचे आता है तो एलिवेशन, तो ऊपर से गिर के नीचे है तो एलिवेशन, जब नीचे से गिर के ऊपर आए तो डिप्रेशन, ठीक है ना। तो वो कितना है 45 डिग्री। अब इन्होंने मुझसे पूछी है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, फाइंड द हाइट। हाँ भैया देखते हैं क्या करा होगा आपने। सबसे पहले तो आपने बोला था देखो ये 10 45 है, तो हम इस एंगल को भी 45 मानेंगे, इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, इसको ए बी मान लू, इस पूरे को सी डी मान लू और इसको ई मान लू, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी 10 45 इज इक्वल टू पी बाय बी, तो 10 45 इज इक्वल टू पी बाय बी, 10 45 वन होता है, सात है पी, तो बी भी कितना हो जाएगा अपने पास 7, पर बी अपने पास 7 हो गया तो ये भी अपने पास कितना हो गया 7, अगर ये 7 हो गया तो ऊपर वाला भी कितना हो गया बेटा अपने पास 7। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई अपन अगेन लगा लेंगे 10 60, कितना लगा लेंगे 10 60। अब सर 10 60 क्या होगा, 10 60 होगा अगेन P by B, तो P by कितना, बेस में तो 7 ही है बेटा, बेस में 7 है तो ये कितना हो गया रूट 3 होता है, तो P by 7। अगर अपन ढंग से बात करें तो P is equal to हो जाएगा 7 root 3, तो ये कितना हो गया बेटा 7 root 3, ये 7 root 3 और ये कितना 7, बेटा ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7 ही, देखना बेटा रेक्टेंगल बन रहा है ना। तो हाइट ऑफ टावर is equal to 7 plus 7 root 3। exam में option में अलग अलग चीजें आ सकती हैं बेटा, तो तू 7 1 plus root 3 भी कर सकता है, और 7 into 1 plus 1.732 अगर करोगे, 1 plus 1.32 करोगे तो ये हो जाएगा ultimately 7 into 2.732, approximate 16 के आसपास, 16 भी नहीं 18 19 के आसपास इसका आंसर है, ठीक है बेटा। हाइट ऑफ टावर 19 या 20 के आसपास आएगी, वो एक बार आप चेक कर सकते हो बेटा। मीटिंग का टाइम ओवर होते हुए बता रहा है, फिर से इसी मीटिंग में अपने को रिजॉइन होना है, पहले वाला क्वेश्चन कर लो आप लोग, फिर आपको इसी मीटिंग में वापस से